So revision of chapter 7 is over, and in revision of this chapter we went through each and every aspects of the chapter. I tried to make you clear the objective of the chapter, cartoons of the chapter, each and everything. And I tried my best to especially focus the areas from which question raised in CBSE. Chapter number 7 कि जो पढ़ाई है वह तो विद्यालय में हुई थी, ऑनलाइन में मैंने शुरू से इसको आप लोगों के समक्ष रखा और बताने का प्रयास किया हर एक चीज को विस्तार से, और विशेष रूप से फोकस किया उन एरियाज को जहां से प्रश्न बनते हैं. एंड इन आवर प्रीवियस क्लास यस्टरडे We were going through question answer. तो उस question answer को समझने की जो कार्य है, ठीक है, उसको पूरा कर लेते हैं. We already discussed question number 1, 2, and 3, and now from question number 4. तो एक बार यह समझा लेने के बाद हम discuss करेंगे question paper. सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है, तो उस पर उम्मीद करता हूं कि कल तो 26 जनवरी हो जाएगा, जो अपना अगला क्लास है उसमें हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन. और बच्चों, आप हर एक सब्जेक्ट का टर्म 2 एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसको देखो, उसके मार्किंग स्कीम्स को भी देखो. मार्किंग स्कीम्स जिसमें क्या उत्तर होना चाहिए उसको हिंट करता है, तो उस आंसर को भी देखो कि जो हिंट कर रहा है आंसर, आप भी उसी दृष्टि से सोच रहे हो कि नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द चैलेंज. इज माय स्क्रीन विजिबल? एनीवन? आंसर थ्रू चैट. ओके, यस सर, ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस. चलो, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स किया. गुंजा, स्वीटी, सिमरन, खुशी, असिका. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस. आल्सो सजेस्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डीपन डेमोक्रेसी इन द गिवन सिचुएशन. इन द गिवन सिचुएशन. नाउ तो बोल रहा है कि आपको जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें लोकतंत्र के सामने चैलेंज क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है. और देखो, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है. कभी कभी इसी को, इन समझने वाले प्रश्नों को घुमा करके दिया जाता है, तो इन सभी बातों की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है. तो चैलेंजेस आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर सजेस्ट करना है आपको.
ठीक है, कि किस तरह से इस चैलेंजेस से निकला जा सकता है। फॉलोइंग अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव अ टेम्पल इन उड़ीसा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर्स फॉर दलित्स एंड नॉन दलित्स अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर। तो देखो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी होती है वह डिग्निटी को इनहांस करती है, इक्वलिटी को इनहांस करती है, जो इक्वलिटी की बातें हैं। अब यहां हाई कोर्ट का एक डायरेक्टिव है, ठीक है, इसमें स्टेट का भी नाम क्लियर है उड़ीसा, और प्रॉब्लम भी आपको नजर आ रहा है, हालांकि हाई कोर्ट ने सॉल्यूशन दिया, ठीक है। फॉलोइंग अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव और टेम्पल इन उड़ीसा, हाई कोर्ट के डायरेक्टिव को मानते हुए उड़ीसा के एक मंदिर में जहां सेपरेट एंट्री था, ठीक है, दलित लोग अलग दरवाजे से एंट्री करते थे और नॉन दलित के लिए अलग दरवाजा था, ठीक है। अब दरवाजा क्या हो गया, सेम सेम फॉर, ठीक है, सेम फॉर ऑल। तो यह समस्या आपको कभी कभी न्यूज में आ जाता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी तरह का कोई भेदभाव अलाउ नहीं किया है, पाबंदी है, ठीक है। लीगल आधार पर बात करें तो वैसे लोग जो भेदभाव करते हैं किसी भी आधार पर, तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। तो यहां एक चैलेंज है, और चैलेंज देखो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ सोच लंबे समय से चली आ रही है, कुछ सोच जो है लंबे समय से चली आ रही है, और संविधान में डिग्निटी की बातें, इक्वलिटी की व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कभी कभी कर देते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा अक्सर होता है, अक्सर नहीं होता है, कभी कभी कुछ इंसिडेंट हम लोग देखते हैं। तो जरूरी है कि लोगों को और अवेयर किया जाए, ठीक है, और उसका प्रयास पढ़ाई के माध्यम से भी किया जा रहा है। जो आपको ये बातें पढ़ाई जा रही है या ऐसे वाक्य जो हुए, घटनाएं जो हुई, अब जैसे इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सबको अवेयर बनाने के लिए है, ठीक है। और कहीं किसी के दिमाग में अगर कोई वैसी भावना अगर आज भी बच रही है जातिगत आधार पर, किसी और आधार पर, तो उसको दूर करने की जरूरत है। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। अब यह जो एक इशू है ये हर एक सरकार में है, ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी। फार्मर्स जो है, ठीक है, सुसाइड का केस, फार्मर सुसाइड का, और मैंने कई बार यह बताया है, लोग बिजनेस की बात करते हैं, कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क है, लेकिन मेरी अपनी समझ है, ठीक है, अपनी समझ मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा तर्क भी दे। जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, किसान मेहनत करता है, कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि किसान सोच रहा है कि कल वह फसल काटेगा, वह सपने देख रहा होता है कि फसल को बेचने पर उसे इतने पैसे मिलेंगे, वह यह काम कर लेगा, यह काम कर लेगा, और पता चला रात के समय भारी बारिश हो गई, बर्फ पड़ गया, ठीक है, और फसल आंखों के सामने बर्बाद हो जाते हैं। तो आपने इकोनॉमिक्स में भी एक केस देखा था, ठीक है, एक केस था एक जूते वाले व्यापारी का, तो उसने कर्ज लिया, उसको तो फायदा हुआ। एक और केस था जहां एक महिला जो खेती से जुड़ी हुई थी, उसने कर्ज लिया लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पाई क्योंकि जो फसल है वह बर्बाद हो गई उस साल, और दूसरे साल भी फसल वैसी नहीं हुई कि उसे ज्यादा प्रॉफिट होता। तो किसानों का जो मुद्दा है, ठीक है, वह
गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ गवर्नमेंट को पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो अनेकों बातें होती रही हैं और है भी, जैसे उनका फसल का बीमा हो, ठीक है, तो ये बातें हैं, ठीक है। दीज थिंग्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट माइन्यूटली, ठीक है। द पॉलिसी शुड नॉट बी ऑन पेपर, इट शुड बी ऑन ग्राउंड। और जो गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, ठीक है, वह और देखे, अगर कुछ और पॉलिसीज की जरूरत है तो वह किसानों के हितों की ध्यान रखे। फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ किलिंग ऑफ 3 सिविलियंस इन, ठीक है, गंदवारा, इन अ फेक इनकाउंटर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, तो यहाँ एक स्टेट का नाम लिखा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पर दूसरे राज्यों में भी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भर है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ मुख्य मुद्दा है फेक इनकाउंटर का, ठीक है। पुलिस वाले जो हैं वे बहुत बार अनेक कारणों से, कभी कभी राजनीतिक कारण होता है, कभी कभी कुछ पुलिस वाले को लगता है कि मैं दिखाऊंगा कि मैंने बदमाशों को ढेर कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तो अनेक कारण होते हैं, ठीक है। जो इनकाउंटर होता है वह फेक होता है, ठीक है। एन इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड, तो लोकतंत्र में सरकार को जनता की सुननी पड़ती है। अब यहां देखो, फेक इनकाउंटर हुआ, ठीक है, एंड इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया, तो इंक्वायरी का ऑर्डर किसने किया? गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यहां इस बात की जो आवश्यकता है कि इंक्वायरी फेयर हो, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, फेक फेयर हो, एंड दोस हु फाउंड गिल्टी शुड बी पनिश्ड, एंड द मैसेज शुड रीच ईच एंड एवरी वन दैट ऑफिसर शुड नॉट इंडल्ज इन फेक इनकाउंटर। तो देखो, यहाँ तो इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब जो इंक्वायरी है वो फेयर हो, ठीक है। कई बार यह भी आरोप लगता है कि इंक्वायरी हुआ, ठीक है, लोगों को बचा लेने का प्रयास होता है अलग अलग कारणों से, तो फेयर हो। और दूसरी बात कि जो दोषी हैं, ठीक है, अगर इनकाउंटर फेक है तो निश्चित तौर से उसमें जो लोग शामिल हैं, जो मुख्य रूप से डिसीजन लिया इनकाउंटर का, गलत डिसीजन लिया, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, और साथ में वह मैसेज भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि जो शुरुआती दौर होता है वह तो न्यूज में बनता है, ठीक है, किसी के यहाँ छापा पड़ा, यह न्यूज पड़ जाता है, लेकिन छापे में कुछ मिला नहीं, ठीक है, या वह व्यक्ति बेगुनाह साबित हुआ या गुनाहगार साबित हुआ, बहुत बार न्यूज उसको फॉलो नहीं करता। तो इस केस में तो सबसे पहली चीज है कि फेयर होना चाहिए इंक्वायरी, और इंक्वायरी के आधार पर जस्टिस मिलना चाहिए। जो दोषी हैं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिले, और जो सिविलियंस हैं उनको, सरकार को प्रयास करना चाहिए कुछ हर्जाना देने का। वो हर्जाना क्या होगा ये, ठीक है, टाइम सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कई बार हमारी कोर्ट्स ने ऐसे मामलों पर फैसला दिया है कि जहां वो दोषियों को सजा दिया है, साथ में निर्दोषों के लिए उसने मुआवजे का ऐलान भी किया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आपके ओपिनियन में कुछ बदलाव आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ये इसी केस में इंक्वायरी हो रहा है तो फेयर हो, इससे तो आप भी सहमत होंगे, ठीक है, हाँ, शब्द आपके अपने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी के कंटेस्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग आइडियाज इज करेक्ट। ठीक है, अब ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आपके पास भी बुक होगा, आप बुक लेकर के बैठे होगे, बताओ तो देखता हूँ आप लोगों ने क्या, आप क्या आंसर भेजते हो। क्वेश्चन समझ लो, इन द कंटेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कंटेस्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग आइडिया इज करेक्ट, इसमें से कौन सा आइडिया करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, मतलब लोकतंत्र ने सक्सेसफुली एलिमिनेट किया है, खत्म किया है। ठीक है, देखता हूं आप लोग क्या आंसर करते हो। आशिका का आंसर आया, खुशी का आंसर आया, ठीक है, दोनों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। आशिका ने कुछ और चुना है, खुशी ने कुछ और चुना है। एनी थर्ड ओपिनियन? क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड ओपिनियन है गुंजिया का। ठीक है, उसके बाद सिमरन, तो 4 आंसर हैं, 2 लोगों ने सी चुना है, 2 लोगों ने डी चुना है। चलो अब मैं देखता हूं, तो देखो बोल रहा है कि डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुली, कोई डाउट नहीं है, सक्सेसफुली एलिमिनेट किया है, ठीक है, खत्म किया, किसको, कंफ्लिक्ट अमंग पीपल, तो कंफ्लिक्ट तो रहेगा, ठीक है, कंफ्लिक्ट रहेगा, वो परमानेंटली खत्म नहीं होगा, रिजॉल्व करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है अपने देश में भी, देखते हो, तो ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्लियर है। सी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज सेक्शन आर टू बी ट्रीटेड, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है, ओपिनियन में डिफरेंसेस है। अब कुछ लोग, अब जैसे रिजर्वेशन मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, ACBCs के लिए या फिर EWS के लिए, तो हम कई बार बात करते हैं, कुछ लोग रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, कोई विरोध करते हैं, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर टू बी ट्रीटेड, ठीक है, तब बच गया डी, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो डी विल बी द आंसर, ठीक है, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पहले था, ठीक है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो वह डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुली खत्म किया है, यह मेरा आंसर है। लेकिन फिर बोलता हूं, अगर किसी को इससे आपत्ति होगा, आप अपने आर्गुमेंट्स दे सकते हो, ठीक है, सो 5 आंसर विल बी डी, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इसको डेमोक्रेसी ने खत्म किया है, और ये एक स्टेटमेंट में भी है इस चैप्टर में। आगे बढ़ता हूं, आप अपने सजेशंस देने के लिए बच्चों स्वतंत्र हो, ठीक है, यह पॉलिटिकल साइंस है, कुछ ऐसे मुद्दे इसमें आएंगे जिसमें मैं और तुम अपोजिट व्यू रख सकते हैं, और मैं समझता हूं कि दोनों अलग अलग होते हुए भी कुछ ऐसे मुद्दे हों जहां सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी को असेस करने में विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑड वन आउट, चलो फिर आपका आंसर मैं लेता हूं, ठीक है, आंसर थ्रू चैट, ऑड वन आउट कौन है, डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर, तो इसमें ऑड वन आउट क्या है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है सी, सभी बच्चे सी भेज रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, यस, सिमरन, खुशी, ठीक है, गुंजा, ठीक है, स्वीटी, आशिका, तो सबने इस प्रश्न के लिए सी चुना है, ठीक है, देखते हैं मेरा क्या विचार होता है, पहले प्रश्न पढ़ लेता हूं, डेमोक्रेसी नीड्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल,
मेजोरिटी रूल इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ। हाँ ठीक है, तो ये तो ऑड वन आउट हो गया, ये हो गया ऑड वन आउट, ठीक है सही है। तो बच्चों आप लोगों ने जो आंसर भेजा सबने सी भेजा था, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग विथ सी, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, ये प्रश्न घुमा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे आंसर नहीं दिए उनको मैं बोलूंगा थोड़ा बच्चों ध्यान देना, बोल रहा है ऑड वन आउट चुनना है, ठीक है। किस संदर्भ में? डेमोक्रेसी नीड्स टू इंश्योर, तो ऑड वन आउट यही हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी को तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना है, डिग्निटी का ख्याल रखना है सबका, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये ऑड वन आउट हो गया। सो सिक्स सी, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी। देखो स्टडीज, ठीक है, बहुत से लोग हैं वो इन बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में लोग तो थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करने वाले पूरा शोध करते हैं, या फिर उससे और कुछ भी किसी को करना है तो बहुत बार तक कमेटियों का गठन होता है। तो पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटी पर अध्ययन करने वाले, ठीक है, या जो अध्ययन है उससे संबंधित, इन डेमोक्रेसी सोस, ठीक है, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी सोस, ठीक है। तो जो अध्ययन है राजनीतिक और सामाजिक असमानता पर, तो डेमोक्रेसी क्या दिखाता है, ठीक है। तो आपके आंसर क्या है? अभी आंसर दिया गुंजा ने, ठीक है, बी, एवरीवन इज गोइंग विथ बी, ठीक है। गुंजा, आशिका, खुशी, आयुष, ठीक है, एक बच्चे का आंसर अलग हो गया, ठीक है। तो मैं बच्चों का नाम नहीं लेता हूं जिनका आंसर अलग जाता है, ठीक है। तो बच्चों ने जिन बच्चों ने आंसर दिया, सिमरन, आयुष, खुशी, आशिका, गुंजा, ठीक है, किन्हीं का छूट गया हो तो माफी चाहूंगा, प्रयास करता हूं सबका नाम लेने का। तो इन बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ने चुना है बी, ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने ए भी चुना है। अब तो देखना होगा, हो सकता है कहीं वो एक बच्चा ही सही हो, खैर समझते हैं। स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी सोस क्या दिखाता है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टूगेदर, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, इनइक्वालिटी डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तो देखो पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो यहाँ तो बात लोकतंत्र की हो रही है, तो डिक्टेटरशिप में इनइक्वालिटी नहीं हो, ठीक है, यह तो गलत हो गया, डिक्टेटरशिप बेटर है डेमोक्रेसी से, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, एक केवल एरिया था और वह था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, और यहाँ बात हो रहा है पॉलिटिकल सोशल। अब बच गया ए और बी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टूगेदर, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो तो देखो यहां सोशल इनइक्वालिटी को लेकर के बात है, ठीक है बच्चों, ए और बी, अब इसमें से सिलेक्शन कैसे करेंगे, आ रही बात समझ में? अध्ययन तो यह बताता है कि लोकतंत्र और डेवलपमेंट साथ साथ जा सकता है, ठीक है, अध्ययन यह भी बताता है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्वेश्चन किस रिलेशन में है? सोशल इनइक्वालिटी को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, यह आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र ने यह कहा है, ठीक है, लोकतंत्र इस पर सहमत है, काम किया है,
ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम अध्ययन करेंगे, चीजों को माइन्यूटली देखेंगे, तो हम समाज में पाएंगे कि इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, ठीक है। अब अमेरिका में जो गोरा है कोई, ठीक है, वाइट, अगर वह इलेक्शन में खड़ा है, सामने ब्लैक है, तो एक चांस तो बनता है वाइट का, ठीक है। तो एक्सेप्शन अलग चीज है। बराक ओबामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, पर एक एडवांटेज तो हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी, या फिर हमने अमेरिका का जो केस लिया कि वह पुलिस वाला क्रुवेलिटी दिखाया, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वह बात थी, इसको एक जगह वह स्वीकार भी करता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर विल बी बी। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले करे क्लास में मेरा प्रयास रहेगा सीबीएसई के सैंपल पेपर को समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैसेज बिलो, नानू इज अ डेली वेज अर्नर। अब एक पैसेज दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या बता रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है, ये डेली वेज अर्नर है, माने रोज कमाता खाता है। ही लिव्स इन वेलकम मजदूर कॉलोनी, ठीक है, यहां वो रहता है, अस्लम हैबिटेशन इन ईस्ट दिल्ली, ठीक है, ही माने स्लम वाला एरिया है वो। ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड एंड अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट वन इन जनवरी 2004। ही मेड सेवरल राउंड्स टू लोकल फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 3 month, बट द क्लर्क एंड ऑफिशियल्स वुड नॉट इवन लुक एट हिम, लिव अलोन, डू हिज जॉब और बॉदर टू टेल हिम द स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो केस क्या है, केस यह है कि यही एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ उसका नाम है नानू, ये कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, एक केस उठा करके आपको यहाँ दे रहा है। बेचारा हर दिन काम करता है, कमाता है, मतलब गरीब परिवार है, स्लम एरिया में रहता है, तो ऐसे परिवार के लिए सरकार से मिलने वाला राशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया, वह दफ्तर में अप्लाई किया, कितनी बार गया, तो जो वहां ऑफिसर हैं, ठीक है, जो वहां व्यक्ति है, ठीक है, उसने तो उसको देखा भी नहीं, ठीक है। इस बात को छोड़ दीजिए कि उसी से बात करके उसको बताना है कि तुम्हारा एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है, देखना भी मुनासिब नहीं समझा। तो देख रहे हो ना, एरोगेंसी होती है, ठीक है, और लोकतंत्र की ही बात है, घमंड हो जाता है, पता नहीं हम सभी को हो जाता है, ठीक है, कुछ अपने पास होने पर। तो सरकारी ऑफिस में यह देखने को मिलता है, कभी कभी काम के लिए जाइएगा तो 100 में से 90 लोगों के अनुभव बुरे होते हैं। अल्टीमेटली ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, अधिकार का ताकत, ठीक है, अधिकार, अधिकार का क्या ताकत होता है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन में उसने एप्लीकेशन डाल दिया, आस्किंग फॉर द डेली प्रोग्रेस मेड ऑन हिज एप्लीकेशन। उसने सूचना के अधिकार से सूचना मांगा कि उसका जो राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन था उस पर क्या हुआ, ठीक है, प्रत्येक दिन का हिसाब चाहिए, नेम्स ऑफ द ऑफिशियल हु वेर सपोज टू एक्ट। उसने नाम भी पूछा उन ऑफिसर्स का जिनको उस एप्लीकेशन पर काम करना था, और क्या एक्शन लिया गया, ठीक है, वुड बी टेकन अगेंस्ट दीज ऑफिशियल्स फॉर देयर इन एक्शन। राशन कार्ड नहीं मिला उसे, उसको लेकर के ऑफिशियल्स पर क्या कार्रवाई हुई। विद इन अ वीक फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ही वॉज विजिटेड बाई एन इंस्पेक्टर फ्रॉम द फूड डिपार्टमेंट। देखो बच्चों, ये होता है अधिकार, वो ऑफिस में जा रहा है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है क्लर्क वहां का ऑफिशियल,
और जब वो उसने राइट टू इंफॉर्मेशन में जैसे ही एप्लीकेशन डाला, ठीक है, दौड़ करके उसके घर पहुंचे ये लोग, ठीक है, इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति पहुंचा। ही वॉज विजिटेड बाय एन इंस्पेक्टर फ्रॉम द फूड डिपार्टमेंट हु इन्फॉर्म्ड हिम, दौड़ करके आया वो, अगर बोला जाए तो, इन्फॉर्म किया दैट द कार्ड हैज बीन मेड एंड ही कुड कलेक्ट इट फ्रॉम द ऑफिस। सूचना देने के लिए उस तक पहुंच करके आया वो व्यक्ति कि तुम्हारा कार्ड तैयार है, ऑफिस से ले लो, और अब तक दौड़ा रहा था। ठीक है, तो नागरिकों को इन अधिकारों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी सरकारें क्या होती हैं, ठीक है, वोट लेने के लिए कुछ अधिकार दे देती हैं, लेकिन अगले बार उस अधिकारों को, ठीक है, रिड्यूस करने पर लग जाती हैं। तो जनता को यह देखना चाहिए कि अगर कोई अधिकार मिला है तो वो बचा हुआ रहे, ठीक है। हु इन्फॉर्म्ड हिम व्हेन द नानू वेंट टू कलेक्ट हिज कार्ड, जब अपना कार्ड लेने के लिए वो अगले दिन गया, ठीक है, क्या हुआ उसके साथ, व्हेन नानू वेंट टू कलेक्ट हिज कार्ड नेक्स्ट डे, ही वॉज गिवेन अ वेरी वार्म ट्रीटमेंट बाय द फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। ऑफिसर गर्म जोशी से उसका स्वागत कर रहा है। क्यों, हालत खराब हो गई? हु इज द हेड ऑफ द सर्कल, पहले जहां उससे चपरासी क्लर्क देखने तक का फुर्सत नहीं था, आज वेलकम कर रहे हैं। द एफएसओ ऑफर्ड हिम टी, चाय दिया जा रहा है, चाय पी लीजिए। रिक्वेस्टेड हिम टू विथड्रॉ हिज एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, चाय क्यों पिलाई जा रही है, समझाने के लिए, मनाने के लिए कि भैया राइट टू इंफॉर्मेशन में जो एप्लीकेशन दिए हो वापस ले लो। सिंस हिज वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, बता क्या रहा है कि देखो तुम्हारा काम तो हो गया, ठीक है, तुम्हारा काम तो हो चुका, उस एप्लीकेशन को वापस ले लो, ठीक है। और जब वो जाता था तब यही बात, वो तो केवल सीधा सीधे जाता था कि बन गया तो दे दीजिए बाबू, ठीक है, लेकिन कितना दौड़ाया उस समय। तो जो ऐसे अधिकार हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा हथियार कॉमन पीपुल को लगा, ठीक है, ये मेरी अपनी समझ है। राइट टू इंफॉर्मेशन जिस सरकार ने दिया वह राइट टू इंफॉर्मेशन से ही चली गई, ठीक है। लोग इंफॉर्मेशन मांगने लगे कि फलना जगह क्या हुआ, फलना जगह क्या हुआ, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के चलते बहुत से घोटालों का पता चला। किसी ने आवेदन दिया कि मेरे मोहल्ले में सड़क नहीं, जवाब मिला सड़क तो आपके यहाँ कब का बन गया, पैसा भी चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, घोटाला हो गया, पेपर पर सड़क बन गया, पैसा भी चला गया। तो ऐसी अनेक वाक्या हुई। तो राइट टू इंफॉर्मेशन और एक कंज्यूमर राइट, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि हथियार है आम नागरिकों के पास। खैर, व्हाट डज नानू एग्जाम्पल शो, नानू का एग्जाम्पल क्या दिखाता है, राइट जो है, ठीक है, विशेषकर राइट टू इंफॉर्मेशन टाइप के राइट, वह सिटीजन्स को लोकतंत्र के अंदर मजबूती प्रदान करते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डिड नानूस एक्शन हैव ऑन ऑफिशियल, ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट डिड नानूस एक्शन, जो नानू ने एक्शन लिया, ऑफिशियल को देखा आपने, तुरंत उसका काम किया। आस्क फॉर पेरेंट्स देयर एक्सपीरियंस व्हेन दे अप्रोच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू अटेंड देयर प्रॉब्लम, आपको बोला गया आप अपने पेरेंट्स से पूछो, क्यों, आप छोटे हो, आप में से शायद ही कोई सरकार के ऑफिस में गया हो, तो अपने बड़े से पूछना, ठीक है, उनका अनुभव। तो मैं बराबर ये कहता हूं कि 90% लोगों के अनुभव, 90% मैं समझता हूं अच्छे नहीं है, ठीक है, कि आराम से काम हो गया हो, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, किसी काम के लिए 500, 5,000, ठीक है, रसीद कटा है 1 रुपये का, और बाबू को देना पड़ रहा है 101 रुपया, ठीक है। तो ऐसे अनुभव लोगों के हैं, बड़ी संख्या में है। तो वैसे में इस तरह का
जो अधिकार है वैसे लोगों को जो थोड़ा लड़ने का हिम्मत रखते हैं कि नहीं पैसा नहीं देंगे, काम होना चाहिए, ठीक है, या फिर अब आज के डेट में जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो रही हैं, ठीक है, तो काफी कुछ सुधरा है, पर काफी कुछ सुधरने की गुंजाइश बाकी है। तो इसी के साथ इस यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है, ठीक है, यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। चलते चलते फिर बोलूं, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, नंबर वन। नंबर टू, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, एक्सप्लेन, या फिर हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, हाउ, ठीक है, रोजा पार्क और वैसे कार्टून, ठीक है, कार्टून देख करके भी पूछा जा सकता है इस कार्टून में क्या हुआ, कुछ ऑप्शन आपको दे सकता है या ऑप्शन ना भी दे, तो काफी पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि केवल दो ही चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हिस्ट्री में एक है, तो चैप्टर काफी रिड्यूस्ड है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज वन ईयर बिफोर। So that's all. Have a nice time. God bless you all. In next class, I will try to be with the sample question paper and the answer provided, hint provided by the CBSE for the question on sample question paper. Thank you very much to be with me. Have a nice time. God bless you all. Good day to all. Now ending meeting.